Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर सिक्स में से केमिकल बॉन्डिंग में से हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है और फिर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. सबसे पहले देखते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है. केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होती है जो बाइंड करके रखती है दो या दो से ज्यादा एटम्स को या आयंस को. द फोर्स विच बाइंड्स टुगेदर टू आर मोर एटम्स आर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. वो फोर्स है जो एटम्स आयंस को बाइंड करके रखती है और नए कंपाउंड्स बना देती है. दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड की कई टाइप्स हैं, जैसा कि नंबर वन है आयोनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. ये इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से बनता है. जैसा कि सोडियम और क्लोराइड के दरमियान बॉन्ड है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोराइड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. इसी तरह कवलेंट बॉन्ड है, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं, जो कि शेयर करने से बनता है. जैसा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम है. कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड या डेटे बॉन्ड भी कहते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. जैसा कि अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और जो BF3 है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है. तो ये डोनर एक्सेप्टर लिंकेज है. और फाइनली मेटेलिक बॉन्ड, जो कि मेटल्स में होगा, जैसा कि सोडियम के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है, दैट इज मेटेलिक बॉन्ड. बॉन्ड क्यों बनता है, इसकी वजह क्या है? एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए, जस्ट लाइक नॉर्मल गैसेस, यानी उनका ऑक्टेट है या डुएट है, ये कंप्लीट हो जाए, उनके वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए. वो किसी तरह भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके, शेयर करके. तो एक्चुअली एटम अपनी एनर्जी लो करना चाहते हैं, एटम स्टेबल होना चाहते हैं. और एनर्जी लो कैसे होती है, स्टेबल कैसे होंगे, जब वो अपनी कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस के इक्वल कर लेंगे, क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल एलिमेंट्स हैं. क्यों स्टेबल हैं? क्योंकि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है. बाकी एलिमेंट्स वैलेंस शेल कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके या शेयर करके. तो इस वजह से केमिकल बॉन्ड बनते हैं. नोबल गैसेस ग्रुप 8 एलिमेंट्स होते हैं. इनमें जो फर्स्ट वन हीलियम है, वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, डुएट रूल को फॉलो करता है. अपने वैलेंस शेल में इसके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं. बाकी नोबल गैसेस ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं. इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, इनको इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की जरूरत नहीं होती. लेकिन जिन नोबल गैसेस के साइज बिगर होते हैं ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी, उनके कुछ रिएक्शन भी रिपोर्ट हुए हैं, जैसा कि जीनॉन फ्लोराइड है, क्रिप्टॉन फ्लोराइड है, जीनॉन ऑक्साइड वगैरह है. ओवरऑल जो नोबल गैसेस होती हैं ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनका वैलेंस शेल और वैलेंस सब शेल, जैसा कि एस और पी ऑर्बिटल्स हैं, ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं. तो इसी वजह से इनको हम नर्ट एलिमेंट्स कहते हैं. इनके अलावा बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या इलेक्ट्रॉन शेयर करके. इसी वजह से उनको हम रिएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं. यानी एलिमेंट्स रिएक्टिव भी हो सकते हैं, स्टेबल भी हो सकते हैं, इनर्ट भी हो सकते हैं. इनर्ट एलिमेंट्स नोबल गैसेस हैं. इनके अलावा बाकी एलिमेंट जो होते हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टिव एलिमेंट्स. नेक्स्ट है कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं जब एटम आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं. एक है डुप्लेट रूल. डुप्लेट रूल है कि अपने वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन पूरे करके हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेना. हीलियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं. जैसे हाइड्रोजन शेयर करके दो कर लेता है. लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी, जैसा कि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है. नेक्स्ट रूल है हमारे पास ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल होता है अपने वैलेंस शेल में एट इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेना. जैसा कि आयनिक बॉन्ड में होता है, कुछ एलिमेंट जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके एट कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके पूरे कर लेते हैं. हीलियम के अलावा बाकी जो सारी नोबल गैसेस है उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं और बाकी एलिमेंट्स इनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं. वो इलेक्ट्रॉन लूज करके हो सकता है, गेन करके हो सकता है या शेयर करके भी. जैसा कि एग्जाम्पल देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है.
तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है जिसके वैलेंस सब शेल एस में होता है 3s1 वाला, तो जिसकी वजह से इसका 2s और 2p दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। 2s में भी 2 और 2p में 6, जिसकी वजह से इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन वाली कॉन्फिगरेशन वो नियॉन वाली है। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो लास्ट में 3s2 है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अब रह जाएगा 2s2 2p6, वैलेंस शेल में s भी कंप्लीट है और p भी कंप्लीट है, तो इसका मतलब है s और p कंप्लीट होने से मुराद है इनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया और कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास, टोटल 10, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा सोडियम और मैग्नीशियम जो है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। अब आ गया फ्लोरीन और सल्फर। फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 2p5 होता है, 5 मींस इसको एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 2p6 बन जाता है और ये भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है नियॉन की। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है, इसके करीब 3 जो नोबल गैस है वो 18 वाली है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 18 वाली नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन यानी आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट जो हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेंगे। सल्फर में भी देखें वैलेंस शेल 3 वाला है, 3s2 3p6, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट है वो एलिमेंट्स जो डिविएट करते हैं ऑक्टेट रूल से, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, उनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जैसे कि BF3 है। BF3 जो है उसके बाद बोरोन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम क्लोराइड में B6 है और BH3 में बोरोन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। कुछ एलिमेंट्स हैं जो एक्सटेंडेड ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, जैसे PCl5 10 इलेक्ट्रॉन है, SF6 में सल्फर के वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, ये ऑक्टेट रूल से डिविएट कर जाएंगे। नेक्स्ट एक छोटा सा और टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जब बॉन्ड बनता है, जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। क्यों एनर्जी रिलीज होती है? ताकि सिस्टम अपनी एनर्जी लो कर ले, और सिस्टम अपनी एनर्जी लो क्यों करता है? ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, उनकी कन्फिग्रेशन भी स्टेबल हो जाए, उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाए, वो लो एनर्जी स्टेट में आ जाए, वो स्टेबल हो जाए, उनको फिर फर्दर किसी से रिएक्शन करने की जरूरत ना पड़े। जैसा कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, इनमें जब दोनों एटम देखें राइट साइड पे फिगर में देखें, हाइड्रोजन है 2 एटम, दोनों एटम एक दूसरे से दूर दूर हैं, इसका मतलब उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और स्टेबिलिटी कम है। जैसे जैसे ये एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, एक दूसरे के करीब आने से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती जाती है। फाइनली एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आ जाएगा, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पर डोमिनेट कर जाएंगी। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस, या इसको बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, या सिंपली बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 75.4 पिकोमीटर होता है। अब जैसे जैसे एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, करीब आते हैं, अट्रैक्शन डेवलप होती है, वो लो एनर्जी में आते हैं, इसका मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती जाती है। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुई है जब इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस आया है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, जो उसको बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं, ये 436.5 किलोजूल पर मोल। तो जब भी दो एटम करीब आते हैं, दोनों तरह की फोर्सेस डेवलप होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएं, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती हैं, तो फिर बॉन्ड बन जाएगा। अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर जाएं, जो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस न्यूक्लियस के दरमियान होती है, तो बॉन्ड नहीं बनेगा, जो एटम होंगे वो एक दूसरे से दोबारा दूर चले जाएंगे। तो यहां पर देखें, सबसे जो लो एनर्जी स्टेट है वो 75.4 पिकोमीटर पे अटेन हुई है, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस भी कह सकते हैं। और यहां पर जो एनर्जी रिलीज हुई है वो 436.5 किलोजोल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।